इतना छोटा प्लांट में आप लोग देख सकते हैं, ये 1 साल के प्लांट में जैकफ्रूट लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन केयर नर्सरी। ग्रीन केयर नर्सरी यूट्यूब चैनल में मैं एमडी राकिब आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे किसान साथियों, आज मैं आप सभी से ऐसे फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिस फार्मिंग को सुपर फार्मिंग कहा जाता है और जिसका फ्रूट को सुपर फूड माना जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जैकफ्रूट की खेती के बारे में। नॉर्मली जैकफ्रूट की प्लांट में 4 या 5 साल बाद फ्रूट देना शुरुआत करते हैं, लेकिन ग्रीन केयर नर्सरी आप सबको ऐसे वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाला हो जो वैरायटी फर्स्ट ईयर में ही फ्रूटिंग देना शुरुआत करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया नया वीडियो, नया नया वैरायटी के बारे में इंफॉर्मेशन हम इसी चैनल में अपलोड किए तो सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जैकफ्रूट की मार्केट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इसका खेती करेंगे तो क्यों इसका खेती करेंगे, ये क्वेश्चन आपका मन में सबसे पहले आएंगे। तो इसका उत्तर भी आपको, इसका आंसर भी आपको जानना चाहिए, है कि नहीं। तो जैकफ्रूट ऐसे फ्रूट है जिसको पूरा दुनिया भर में सुपर फूड के नाम से माना जाता है, क्योंकि जैकफ्रूट के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स, कई प्रकार के विटामिन्स भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसका कारण लगभग 90% लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग इसको नॉन वेज की तरह खाते हैं। जैकफ्रूट ऐसे एक फ्रूट है जिसको 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। जब ये कच्चा रहता है तब इसको सब्जी बना के खाया जाता है, जब ये फ्रूट पक जाता है तब इसको फ्रूट के हिसाब से खाया जाता है। जैकफ्रूट की मार्केट की बात करें तो इंडिया में इसका मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और उससे भी ज़्यादा मात्रा में पूरा दुनिया भर में इसका डिमांड है। और इंडिया से अब सभी लोग जैसे जानते हैं कि हमारा इंडिया किसी प्रधान देश है, जिसका कारण इंडिया से जैकफ्रूट बाहर में बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसका डिमांड बाहर देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और जैकफ्रूट ऐसे एक वैरायटी है, अब सभी को तो पहले पता चला, सभी को पहले मैंने बोला कि जैकफ्रूट को सुपर फूड माना जाता है, जिसके कारण जैकफ्रूट से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि जैम्स बनता है, जैकफ्रूट से आइसक्रीम बनता है, जैकफ्रूट से जूस बनता है, और बाहर देशों का लोग इसको खाना बहुत बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जैकफ्रूट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है, जिसका कारण जैकफ्रूट की अगर आप खेती करेंगे तो इसका जो फ्रूट है उसका मार्केटिंग की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और जैकफ्रूट की खेती की बात करें तो हमारा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जैकफ्रूट की खेती आसाम, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, MP, UP भारी मात्रा में होता है, और साथों साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस सभी राज्यों का किसान लोग इसको खेती करने में बहुत ही इंटरेस्टेड हो रहा है। नॉर्मली जैकफ्रूट की खेती 4 से 5 साल बाद प्रॉफिट देना शुरुआत करते हैं, लेकिन ग्रीन केयर नर्सरी से ऐसे वैरायटी की जैकफ्रूट की प्लांट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिस वैरायटी फर्स्ट ईयर में ही आपको प्रॉफिट देना शुरुआत करेगा। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जितना भी यहाँ पे प्लांट्स है, ये प्लांट्स हमारा ग्रीन केयर नर्सरी से बनाया हुआ प्लांट है, जिस प्लांट का नाम है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट है। और इस प्लांट की हाइट और इस प्लांट की मेन ब्रांचेस देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्लांट्स की उम्र, ये प्लांट्स की एज कितना हो सकता है। ये प्लांट हमने लगभग 9 महीने पहले इसको प्लांटेशन किए थे, और अभी आप देख सकते हैं आज है अप्रैल महीने का 4 तारीख, और आज का डेट में इसमें आप फ्रूट देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में इसमें फ्रूटिंग आया है। हालांकि ये फ्रूट इस प्लांट में नहीं रहेगा, क्योंकि प्लांट के हिसाब से भी आप लोगों को देखना पड़ता है, इसमें से आप 14 से 15 महीने बाद इसमें से आप फुल मैच्योर फ्रूट ले सकते हैं।
ग्रीन केयर नर्सरी से आपको इस वैरायटी की प्लांट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिस प्लांट में आप फर्स्ट ईयर 15-16 महीने से ही प्रॉफिट लेना शुरुआत कर सकते हैं। जैक फ्रूट की खेती ऐसा एक खेती है जो खेती में आपको सबसे कम टाइम इन्वेस्ट करके ये खेती आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब इस प्लांट को आप प्लांटेशन करेंगे उस टाइम से 2-3 महीने इसको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये प्लांट जब 2 फीट हो जाता है तब इस प्लांट को इतना ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसी प्लांट से हम लोग ग्रीन केयर नर्सरी में वाई बेड ग्राफ्टेड के थ्रू प्लांट्स को तैयार करते हैं, जो प्लांट आपको 100% ओरिजिनल वैरायटी की प्लांट मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इतना छोटा छोटा प्लांट में सभी प्लांट में लगभग फ्रूट लगा हुआ है। और इसी प्लांट से हम लोग प्लांट को बनाते हैं, जो प्लांट को हम लोग किसान को सप्लाई करते हैं। अगर कोई किसान भाई जैक फ्रूट की खेती के बारे में इंटरेस्टेड है और इसका खेती करना चाहता है तो हमारा ग्रीन केयर नर्सरी का जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उस नंबर में आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मल जो भी जैक फ्रूट होता है वो साल में एक बार फ्रूट देता है, एक बार प्रोडक्शन देता है, लेकिन ग्रीन केयर नर्सरी से बनाया हुआ जो वियतनाम सुपर अर्ली जैक फ्रूट की प्लांट है वो प्लांट आपको साल में 2 बार फ्रूट प्रोवाइड करवाएंगे। 2 बार इनमें से आप फ्रूट ले सकते हैं। बस आज का वीडियो यही तक है। मिलते हैं नया कोई वीडियो के साथ, नया कोई वैरायटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।